2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर टाउन हॉल मैदान में स्वदेशी आर्ट एवं क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। दशहरा दिवाली के उपलक्ष्य में स्थानीय टाउन हॉल मैदान में स्वदेशी पूर्वांचल महोत्सव हस्तकला प्रदर्शनी सावित्री का आयोजन किया गया, जिसका भव्य उद्घाटन सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने फीता काट कर किया। इस दौरान सदर सांसद ने कहा, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा पहल है। आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल से युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। संस्था में 18 से 20 राज्यों में कारीगरों की भागीदारी हुई है। संस्था हर वक्त बुनकरों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन और शिल्पियों के हित में व स्वावलंबी बनाने का काम करती है। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश खादी कुर्ता शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी व सूट, लखनवी चिकन सूट साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदौरी साड़ी सूट और भी बहुत कुछ, राजस्थान कुर्ती टॉप स्कर्ट, आंध्र प्रदेश असम सिल्क की साड़ी और फर्नीचर के उपकरण प्रदर्शनी में शोभा बढ़ा रहे हैं। इस दौरान स्वदेशी पूर्वांचल महोत्सव के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा सहित अन्य सहयोगी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, स्वदेशी का ही आज उद्घाटन हुआ है। हैंडलूम का बहुत अच्छा हमको लग रहा है, क्योंकि आज गांधी जयंती है और ज़्यादा सारी चीज़ें स्वदेशी हों, और इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा, डीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इनको ज़मीन मुहैया करवाई और आज स्वदेशी जैसे खादी की हर चीज़ और देशी देश हिंदुस्तान में बनी हर चीज़ का यहाँ प्रदर्शनी है। डिस्काउंट में ये लोग बेच रहे हैं और गोरखपुर में ये हो रहा है, इतनी बड़ी प्रदर्शनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका उद्घाटन करके। और मैं दिल से इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि स्वदेशी पहने, स्वदेशी बातों को जनवाएं, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हमारे देश में पैसा आएगा, हमारे देश में लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे देश की चीज़ें पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, हमको हिंदुस्तान में भी उसको पॉपुलर करना चाहिए और वो स्वदेशी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें आएँ प्रदर्शनी में और आप लोग हिस्सा लें। देखिए, आज हम लोग करीबन 6 किलोमीटर की पदयात्रा आज की है, 150 किलोमीटर वैसे है, तो हम लोग को रोज़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्धारित करना है। तो अभी आप लोग जो अभी काफिला चल रहा है, जो आप लोग कवर करेंगे, उसकी शुरुआत श्री गणेश आज यहाँ से हो रही है। गांधी, यहाँ महात्मा गांधी उद्यान है, यहाँ से शुरू होगी और ये करीबन 5-6 किलोमीटर चलेगी। फिर रोज़ ये तय होगा कहाँ कहाँ हम लोग को, 150 किलोमीटर हम लोग को 3 महीने में ख़त्म करना है।